डियर स्टूडेंट्स आई एम राहुल हक लेक्चर इंग्लिश टीचिंग यू क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश एंड द टॉपिक वी आर गोइंगस टू डे कम टू पेज नंबर पेज नंबर फिफ्टी ऑफ योर टेक्सट बुक पेज नंबर फिफ्टी ऑफ योर टेक्सट बुक हेयर गांधी जी प्रोटेस्टिद अगेनिस्ट दिल्ली यहाँ से आप हम शुरू करने जा रहे हैं कल आपने देखा मोतिहारी में गांधी जी के ख़िलाफ़ केस किया गया क्योंकि गांधी जी शेयर क्रॉपर जो ग़रीब काशकार थे चंपारण के उनके हक में प्रोटेस्ट कर रहे थे तो गांधी जी को जो अंग्रेज़ ऑफिसर्स थे उन्होंने हुक्म दिया कि आप इस इलाके से निकल जाओ लेकिन गांधी जी ने इनकार किया तो इसलिए उन पर मुकदमा किया गया कैसा तम अदालत मं कर तो तुम गए सुबह अदालत में पेश मगर गांधी जी ऐसे नुन जो कहीं सास बदी लूक जम गए बूज कि इंसान हस हेल्प कर काशकार लूक ते जमा ग अम ब्रह खोान मगर गांधी जी मौजूदगी तो तमो तो डर टोटल बिल्कुल मोम तो अंग्रेजन खोचान कह तो बहरहाल ये सासबी लू वे जजन तो बे पुलिस तो तम ग परेशान हम लूक मे कह लहजा तमो वोनुखा करो अदालत वो करो आज हा केस पोस्टपोन तो इस पर बाद में सुनवाई की जाए कि अम मूज क्या हालत मा ग खराब मगर गांधी जी उनको प्रोटेस्ट हम आगे पढ़ते हैं गांधी जी पोट डिले डिले मतलब गो चेयर कर पे गधी जी ने कहा नहीं जज को आप कोई फैसला ले लो या दिल अगर मे जेल सोज तो चान मर्जी ये तरह मगर फैसल नबो ही ही रेड स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी ही रेड स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी ही वज इनवाल्व ही टोल्ड द कोर्ट गांधी जी पान वनान ही रेड ए स्टेटमेंट आ, हाँ, मैं गलती पर हूँ गांधी जी ये पन बयान देव आहन साहब मैं सर गलती हाउस बहुत अथ मुलिस इनवाल्व उस टाँधी जी ने अदालत से कहा इन ए कन्फ्लिक्ट ड्यूटीज हाँ मेरी गलती क्या है मैं आपको बताता हूँ कन्फ्लिक्ट ड्यूटीज़ मेरी ड्यूटी है मेरे कुछ फ़र्ज भी हैं जहाँ गवर्नमेंट का हक कानून मानना मेरा फ़र्ज बनता है वहां मेरा मुल्क भी मुझसे कुछ मांगता है ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट ए बैड एक्गजाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर अक हंद हाँ बहुत यान कानून पुटर क् यान लॉ बर बनन वो एक्जाम्पल कम कर क्यों नफर बन कानून कानून खिलाफ वर्जी कर मान तुद कानून ऑन ददर हैंड मगर बे हंद हा सोचान रेंडर द ह्यूमिनेिटेर एंड नेशनल सर्विस बहुत इंसान हिदमत कर काशकार लूक नैशनल सर्विस ने प्न मुल्क लूक खदमत यु कर मगर तुर् मैं कानून वो इजाजत दिवान कर्वी फर फरवी छ हैद कम तमी खस्ा चो यो आमुत इंसानों की खदमत के लिए मैं आया हूँ का खदत के लिए मैं आया हूँ और आप उन पर म कर रहे हैं लेकिन मैं कानून की खिलाफवर्जी नहीं करना चाहता ही दिस द आडर टु लीव तो गधी जी ने यह भी कहा मैंने क्यों आर्डर का डिसरिगार्ड किया मैं क्या मोन नुद आर्डर ये अलाक़ त्राउन मूजब यानी बना स त्राउन अलाक़ के क्या हो न मैं नॉट फार वांट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी इसलिए नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी इसलिए नहीं कि मुझे आपको इज़्ज़त देनी है या अपनी इज्जत करवानी है बट इन ऑडियंस बट इन उबीडं टू द हायर लॉ ऑफ आवर बींग मगर नहीं मैंने इसलिए आपके कानून को ठुकराया मैं ना मोन अंग्रेजन हूँ आडर तवे कि क्या खुदा सद बडर ते इंसानियतुक तक हुक्कुम् द वॉइस ऑफ कानशंस मेरे ज़मीर ने कहा कि तुम जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ ये लोग जालिम हैं इसलिए मुझको खड़ा होना पड़ा ये माना गांधी जी अदालत मं ही कर पेनल्टी दिये तो गांधी जी कहता है ठीक है आपको जो सजा देनी है पेनल्टी दू आपको जो सजा देनी है आप दे दो मुझको द मजस्ट्रेट अनाउंसड दैट ही विद प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ टू आवर रिसेस तो मजस्ट्रेट यूनि जज यून सह वन गांधी जी य मैं दो तो घंटे के बाद सजा का अलान करूँगा टू आवर्स रिसेस जिस तरह स्कूल में आपको ब्रेक होती है रिसेस होती है वही तो मैं उसके बाद ऐलान कर डास्क गांधी टू फर्निश बेल फार दो वन हंड्रेड ट्वेंटी मिनट्स तो गांधी जी को ये कहा तीस कालीस काल जो गंट ब्रेक वो मिनट तो तब तक आप अपने लिए बेल बेल मतलब क्या बिल जमानत तो जमानत कागजात तीतिस कालस कर गांधी जी रिफ्यूज मैं मैंने मैं मुजरिम नहीं हूँ मैंने अपने लोगों का साथ दिया है मैंने कोई चोरी नहीं की है कोई डाका नहीं डाला है कतल नहीं किया है इसलिए बना समानत ख कागज़ क्रूर छुरी रिलीज हम विदाउुट बल ये नजस कह वज कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने गांधी जी को रिलीज किया यानी यूज करन रहा यलट्रउन व्हेन द कोर्ट कन रिकनवीनड ही विल डैग गोइंगड पत कोर्ट दो कोर्ट को लास्ट दोबार लोग अदालत बेल रिकनवीनड मतलब दोबारा जब अदालत बुलाई गई तो जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सिवरल डेज तो जज ने मशवरा किया होगा अपने बड़े अफसरों के साथ तो वन बनासा हकन ऐलान uh, करिए मैं क्या फौसल को यानी फौसल ना से इनती क्या आठ लाइट टाइम नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज बहुत से दिन तक मैं ऐलान नहीं कर सकता मीनवा अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी तो तब तक उसने कहा गांधी जी को आप जो मर्जी है कर सकते हो आप मेरी तरफ़ से आप आज़ाद हो कोई परवाह नहीं है तो मैं तरफ याल स्टूडेंट्स कम टू पेज नंबर फिफ्टी वन ऑफ़ योर टेक्स्ट बुक टॉप यहाँ से आई राजेंद्र प्रसाद ब्रिज किशोर बाबू मौलाना हक ये सब गांधी जी के जाने पहचाने लोग थे और वकील भी थे तो हम ये हमने ये देखा गांधी जी को अंग्रेज़ों ने छोड़ दिया उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आया थे मोदोपित कतलू गारत हालात गसन बेहन खराब बेहतर शिथरा होन याल तो राजेंद्र प्रसाद ब्रिज किशोर बाबू मौलाना मजहर हक एंड सिव द प्रोमिनट लायर्स ये बहुत बड़े बड़े प्रोमिनट मतलब बड़े बड़े अहम इम्पॉर्टेंट लॉयर्स थे वकील थे अरव फ्राम बिहार ये लोग बिहार से आए थे गांधी जी के पास दे कॉन्फर्ड विद गांधी जी विस हैड है उन्होंने डिस्कस किया क्या बात है कॉन्फर्ड उन्होंने डिस्कस किया प्रॉब्लम जो मजदूरों की हैं जो लेबर तबके की है जो काशकारों की है वट वुड दू वे वर्स इन थे गांधी जी यास्कर गांधी जी ने उनसे पूछा वकील और प्रोफेसर तू क्या करियो अगर जान मैं जेएल नेन अगर मैं सजा गैसे तो तू क्या करियो तू क्या क्या इलाजन क्यों द द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम आ उच योर आमद एमय موجب کہ اس س دموچہ مشور تو بیکار وچ ہیلپ چاہت بارسمس اف ہی وینٹ ٹو جیل देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम अगर जन से जेल चीज से नीचे मशा दे हेल्प कराल जेल नुक जब तक आप बाहर हो आप इन पीजेंट्स के साथ हो लेकिन जब आपको जेल ले जाएंगे तो हम किसके मशवरा करेंगे और किस से बात पुछेंगे तेल हेको नीस हा गो अक मू तु लाचार तो डर स्टूडेंट्स यहाँ हम आज की क्लास को रोक लेते हैं इन शां से आगे हम अगली क्लास जारी रखेंगे आई होप यू विल गेट थ्रू